दोस्तों GTA Vice City खेलते टाइम अगर आपके लैपटॉप या कंप्यूटर में ये हाफ स्क्रीन में चल रहा है, फुल स्क्रीन में नहीं चल रहा, तो इसका सोल्यूशन देने वाला हूँ। दोस्तों दो सेटिंग्स करनी होती हैं, तो दोनों देखना, पूरा वीडियो देखना, चैनल सब्सक्राइब कर देना, सारे सब्सक्राइबर्स के कमेंट का हम जरूर रिप्लाई करते हैं। सबसे पहला जो काम करना है, आप देख सकते हो, आपको ऑप्शन में जाना है, Vice City के अंदर में ये ऑप्शन मिल जाएगा और डिस्प्ले सेटअप में आना है। यहाँ पर ही नहीं, एक चीज़ और करनी रहेगी, तो पूरा देखना है। स्क्रीन रिजोल्यूशन में आने के बाद राइट और लेफ्ट वाले बटन से आपको इसको लेके जाना है 1366 पे। यहाँ पे देख सकते हो जो डिस्प्ले सेटअप के अंदर ही जो स्क्रीन रिजोल्यूशन था, इसको मैंने अभी 1366 पे कर दिया है, तो ये जो है फुल स्क्रीन में चल रहा है। 1366 पे करके एंटर करना है। अगर 1366 पर नहीं होता तो 1200 वाला ट्राई करना। अगर ये करने के बाद भी आपके में फुल स्क्रीन नहीं हो रहा है तो मैं आपको बताऊंगा आगे क्या करना है। फिलहाल देख लो, इतना करने के बाद आपके में ज़रूर से ये फुल स्क्रीन में चल जाना चाहिए। अभी मेरे लैपटॉप में आप देख सकते हो ये गेम जो है फुल स्क्रीन में चल रहा है। अगर आपके में नहीं चलता तो आपको कुछ नहीं करना है। जहाँ पे भी GTA Vice City का आइकन है उसके ऊपर राइट क्लिक करो, प्रॉपर्टीज़ में जाओ और यहाँ पर देख सकते हो कॉम्पैटिबिलिटी जो मोड है यहाँ पर आना है, और यहाँ पर इसको रन दिस प्रोग्राम इन कॉम्पैटिबिलिटी मोड इसको जो है मार्क करना है, और यहाँ पे आके विंडोज़ 8 या 10 जो भी आ रहा है ऑप्शन वो सेलेक्ट कर लेना है। विंडोज़ 8 सेलेक्ट कर लेना, और नीचे देख सकते हो रन इन 640 मोड, इसको मार्क नहीं करना है। नीचे ही देख सकते हो लिखा हुआ है, वो मार्क करके नहीं रखना है और ओके कर देना, बस ये चलने लगेगा। कुछ भी जानना हो तो कमेंट करना, अपने सब्सक्राइबर्स को हम जरूर रिप्लाई करते हैं। चैनल कर देना सब्सक्राइब। मिलते हैं अगले किसी काम के अटैक की वीडियो में।